हार्ट और सोल के ऑपरेशन के बाद बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि हम सपोर्टर यूज करें या फिर वी शेप अंडरवियर यूज करें। तो जहां तक इन दोनों का ही ऑब्जेक्टिव है कि सपोर्टर का भी काम होता है कि आपके आगे के जो प्राइवेट पार्ट है साथ ही साथ अंडकोश उनको सपोर्ट देना, और अगर हम वी शेप अंडरवियर की बात करें तो वो भी टू इन वन है, वो आपके पसीने को भी एब्जॉर्ब करता है साथ ही साथ आपके अंडकोशों को भी सपोर्ट देता है। तो अगर बेटर माना जाए तो अच्छे ब्रांड का अगर आप अंडरवियर यूज कर रहे हैं तो अंडरवियर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टू इन वन है, वो पसीने को भी एब्जॉर्ब करेगा और आपको आपके अंडकोशों को सपोर्ट भी देगा। अगर आपको सिंगल यूज ही सिर्फ पसंद है कि आपको सिर्फ आगे सपोर्ट चाहिए, बाकी स्वेटिंग से आपको या पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप सपोर्टर भी यूज कर सकते हैं। बट कभी कभी कुछ लोगों के लिए सपोर्टर पहनना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे ब्रांड का आपने वी शेप अंडरवेयर लिया तो वो आपको कंफर्ट देता है, साथ ही साथ आपके पसीने से होने वाली प्रॉब्लम को भी रोकता है और साथ में सपोर्ट भी देता है। वेल, वैसे तो इस पर हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अंडरवेयर वाला ऑप्शन चूज करके उनको देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि कुछ और ब्रांड्स के बारे में बताइएगा, और ब्रांड्स के बारे में मैं फिर वही कहूंगा कि मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता ब्रांड का, बट अच्छे ब्रांड के जो वी शेप अंडरवेयर होते हैं उसमें आगे कप टाइप का बना होता है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को एक प्रॉपर स्पेस देता है, तो आगे थोड़ा उभार सा होता है, तो उससे आपको काफी कंफर्ट मिलता है और वो सपोर्ट भी अच्छे से देते हैं। लेकिन नॉर्मल जो ऑर्डिनरी थोड़े से ब्रांड्स रहते हैं उसमें ये शेप अच्छे से नहीं होती है, तो इसलिए अगर आप अच्छे ब्रांड का वी शेप अंडरवेयर पहनेंगे दैट इज बेटर ऑप्शन, और अगर आप वो नहीं ले पा रहे हो, आपके पास सपोर्टर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो वेल, डिसीजन आपका है, लेकिन बेटर अगर वी शेप अच्छे ब्रांड का है तो वो रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।